भारतीय स्टेट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, चालू कैसे करेंगे, SBI यानो लाइफस्टाइल ऐप को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसे कैसे अकाउंट बनाएंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाएंगे उसमें, ठीक है, किस तरीके से क्या उसका प्रक्रिया है, मैं आपको सारा प्रक्रिया बताऊंगा इस वीडियो में। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे मेरे वीडियो देख करके आप बना सकते हैं, यानो SBI लाइफस्टाइल जो ऐप है उसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। 2024 में न्यू प्रोसेस के साथ मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। तो गाइस, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेक टू इजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आ गए अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। आप अपने स्मार्टफोन में आएंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे SBI मोबाइल बैंकिंग, लिख करके सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ SBI मोबाइल बैंकिंग, लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगा, यानो SBI बैंकिंग एंड लाइफ स्टाइल। आपको इस वाले ऐप को क्या करना है कि इंस्टॉल करना है, तो इस पर हम क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे इंस्टॉल होने देते हैं, आपको नेट फास्ट रहेगा। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया है हमारे फ़ोन में। ओपन पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको यानो SBI का लोगो दिखेगा। फर्स्ट में आपको यहाँ पे 5 सेकेंड रुकना पड़ेगा। 5 सेकेंड रुकेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अलाउ करने के लिए, जो कि इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो आपको यहाँ पे वाइल यूजिंग डीएफ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये रहा रजिस्टर नाउ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना सिम को करेंगे सेलेक्ट। सिम सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ही सिम लगा गया है तो हम किया हूँ सेलेक्ट और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से अलाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। अलाउ पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 1 मिनट का काउंटडाउन चलेगा, जो कि ये आपके मोबाइल में ये सिम लगा हुआ है कि नहीं वो यहाँ पे ये चेक करेगा, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन में मोबाइल नंबर है कि नहीं वो अभी चेक करेगा, तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपको सीधे यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग लिखा गया है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो फिर से आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे यस आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। यस आई एग्री पर क्लिक करेंगे, नो पर क्लिक आप नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम यस आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, रजिस्टर फॉर यानो विथ माय ATM कार्ड। फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, सेकंड वाला को चूज नहीं करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे पास में ATM कार्ड है, आपके पास में ATM कार्ड रहना चाहिए, सेकेंड वाले से आपको नहीं बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ATM कार्ड नंबर डालेंगे, सॉरी यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर को फिल कर दिए, डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हम OTP डाल के सबमिट पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका नाम शो करेगा और CIF नंबर आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो हमें थर्ड वाला ऑप्शन को चूज करना है, फुल, ठीक है। फुल वाले पर टिक लगाएंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ATM कार्ड नंबर लास्ट का 6 डिजिट, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया प्लीज इंटर लास्ट 6 डिजिट ATM कार्ड नंबर। ATM कार्ड का पीछे से 6 नंबर आप देंगे, ठीक है। देने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे ATM कार्ड नंबर लास्ट का 6 डिजिट डाल लिया हूँ। डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ATM का पिन डालना है, जो ATM आप ATM मशीन में लगाते हो पैसा निकालने के लिए, वो पिन आप यहाँ पर फिल करेंगे। वो पिन हम डाल दिए हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। पिन डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोल गोल नच रहा है, तो कुछ सेकंड यहाँ पे हम रुकते हैं और रुकने के बाद में आएगा प्रोसेस आएगा। तो वहाँ पे हम यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि रजिस्टर के नीचे यहाँ पे एक यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड डालना है, री इंटर पासवर्ड को डाल करके नीचे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को डाल देते हैं और नीचे कन्फर्म पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिव
कम्प्लीट योर अकाउंट ऑन यानो, मतलब कि यानो ऐप में मेरा अकाउंट यहाँ पे कम्प्लीटली बन गया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें एक पिन बनाना है जिसके थ्रू हम इस ऐप में लॉगिन करने के लिए एक पिन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है सेट 6 डिजिट नंबरिक पिन, तो नीचे आएंगे यहाँ पे सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे पिन बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको कंसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में नीचे जाएंगे तो नीचे आपको एक टिक लगाना पड़ेगा। टिक लगाने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। टिक ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो टिक ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो सीधे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऊपर में आना है और यहाँ पे आपको पिन बनाना है। दोनों में सेम सेम पिन डालना है 6 डिजिट का, जो आपको याद रह सके। तो हम पिन को डाल लेते हैं, डालने के बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो हम पिन डाल दिए हैं, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा कंग्रेचुलेशन लिख करके ऊपर में आ जाएगा। पहले यहाँ पे एक OTP आपको फिल करना पड़ेगा। OTP को डालेंगे, आपके नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को डालेंगे और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम OTP डाल दिए हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं। करने के बाद में यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन यहाँ पे लिख करके आ चुका है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। तो ओके पर क्लिक करेंगे। एक बार आप यहाँ पे इसमें आपका अकाउंट फुल्ली बन करके तैयार है, पिन भी बन गया, आप इस ऐप में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐप हमें क्या करेगा, बैक मार देगा। ये देखना इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, यानो SBI के नीचे आपका नाम शो करेगा। यहाँ पे आप लॉगिन पिन डालेंगे, जो पिन हम बनाए थे 6 अंक का, उसी पिन को यहाँ पे फिल करेंगे। ऑटोमेटिक पिन इसमें डालिएगा, इसमें लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए अकाउंट, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड, यानो पे, यानो कैश ऊपर में है ना, इसी ऑप्शन सब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अकाउंट्स पे, अकाउंट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर में आप कहीं पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें अंदर में एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा अकाउंट है वो शो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन, ठीक है। 2 साल 3 साल 5 साल का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। आप ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी देख सकते हो कि किसका पैसा हमने कितना भेजा था, कितना कटा था, क्या चीज़ में कटा है, ठीक है। वो आप यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, ये है स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लोगो पे तो आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके, या मेल पे भी भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अकाउंट का स्टेटमेंट को देखते हैं या डाउनलोड करते हैं। आप बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे कार्ड पे, ठीक है। कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर में है डेबिट कार्ड, तो माई डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कार्ड शो कर जाएगा। ये देखिए आपका कार्ड शो कर रहा है। इस तरीके से आपका कार्ड का आप आनंद ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यू कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में आएंगे तो यहाँ पे कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो, कार्ड का मैनेज कर सकते हैं, पिन बना सकते हैं, पिन रीसेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड भी आप घर पे मंगा सकते हैं मोबाइल से ही बैठे बैठे। तो दोस्तों यहाँ पे यानो को एक्टिवेट करने से ये फ़ायदा आपको होता है कि आप अपने अकाउंट को खुद से हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं। तो गाइस आप हमारे टेक टू इजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो लोग भी खुद से यानो SBI लाइफस्टाइल जो ऐप है उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, अकाउंट बना करके अपना अकाउंट का डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी जवाब देने का प्रयास